ज्ञानते मेरे अंदर से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता की कक्षा में। और आज जो है हमें अध्याय 13 स्टार्ट करना है, राइट? तो 13वें अध्याय का जो है ना शीर्षक है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, ठीक है? तो मैंने कल भी बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, जिसको जो है ना भक्ति करनी है, जिसको ये भगवद गीता का ज्ञान समझना है, वो जो है इस चैप्टर को मिस ना करे। जो ये मिस करेगा वो बहुत कुछ मिस कर जाएगा, है ना? बहुत टेक्निकल है एक्चुअल में, और इसमें नई नई चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, हमको समझने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें। और ये चैप्टर होने के बाद जो पिछले हमने जो चैप्टर्स किए हैं ना 2 से लेके 12 तक, उसको देखने का दृष्टि अलग हो जाती है ना? तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें काफी टिपिकल वर्ड्स आएंगे जो हम समझेंगे एक 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 करके, और बहुत गहरे कोशिश करेंगे अच्छे से सारा जो है ना डिस्क्रिप्शन हो जाए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी, ठीक है? तो अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, ठीक है? तो इसका आप चाहें तो डिवीजन लिख सकते हैं कि जो है ना अध्याय का किस प्रकार बाइफर्गेशन हुआ है। तो टोटल इसमें 35 श्लोक हैं, 35 श्लोकाज हैं इसमें। 1 से लेके 7 तक के जो श्लोक हैं उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा की गई है ना? 1 से 7 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। फिर लिखा है 8 से 12 जो हैं वो है ज्ञान की विधि, है ना? ज्ञान की विधि क्या है? और 13 से लेके 19 तक क्या है, क्या जानने योग्य है ना, जिसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय मतलब एक्चुअल में क्या जानना चाहिए, क्या जानने योग्य है, ज्ञेय। और 20 से 26 में डिस्कशन हुआ है प्रकृति और पुरुष, मतलब इनका समन्वय कैसा है, कैसे कार्य करते हैं प्रकृति और पुरुष, कौन किस पे डिपेंड है, कैसे एक दूसरे पे असर करते हैं, ये सारी चीजें। और 22 से 35 तक जो है ना ओवरऑल ज्ञान चक्षु की, जिससे हम इन सारों का समन्वय बिठा के अपने भक्ति में किस प्रकार हर चीज को समझें। ज्ञान चक्षु मतलब पूर्ण रूपेण समझना है कि किस प्रकार ये सारे जो है ना हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी भक्ति में किस प्रकार इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्ञान चक्षु, ठीक है? तो इसमें सबसे मेन जो है पहला श्लोक ही में जो है ना अर्जुन वाच, तो एक बार चलो पहला श्लोक लेते हैं फिर अपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज डिस्कशन करने का दिन है, सारा कुछ डिस्कशन ही होगा यहाँ, ठीक है? साथ में दोहराएंगे फर्स्ट श्लोका ऑफ 13वां अध्याय। अर्जुन वाच, अर्जुन वाच, प्रकृतिम पुरुषम चैव
प्रज्ञं सुमतये क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ज्ञानं कौन रिपीट कराएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी मैं कराती हूँ। हरे कृष्ण अर्जुन उवाचा अर्जुन उवाचा प्रकृति प्रकृति पुरुषं चैव पुरुषं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च क्षेत्रज्ञम् एतत् वेदितुम् इच्छामि एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ज्ञानं ज्ञेयं केशव। अर्जुन वाच अर्जुन अर्जुन वाचा वाच प्रकृतिं पुरुषं च एव प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च क्षेत्रं एतत् वेदितुम् इच्छामि एतद्वेदितुम् ज्ञानं श्रेयं च केशव ज्ञानं केशव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ, है ना। तो अब जो है ना, देखो, भगवान ने 12वें अध्याय में उसको भक्ति योग जो है ना पूर्ण बता दी, पूर्ण कर दी वो भक्ति योग, है ना। अनन्य भक्ति के बारे में चर्चाएं की इन्होंने कि किस प्रकार अनन्य भक्ति होती है, और हृदय से भगवान क्या क्या कहते हैं, अनन्य भक्ति क्या होती है, जिसमें मन मनाम भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि योक्तव्यम आत्मानं मत परायण। मुझे मन दो, मन से मेरी भक्ति करो और मेरी मुझे ही नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, है ना। मन कुल मिला के भगवान मांग रहे हैं हर चीज में। तो अभी तक कुछ कुछ प्रश्नों में अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि किस प्रकार जो है ना स्थित प्रज्ञ होते हैं, कैसी भाषा यूज करते हैं, कैसे वो जो है ना चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, है ना। वहां पे भी भगवान ने उसको आंसर दिया था कि वो समंदर के समान होते, नदियों की प्रवाह होती रहती इच्छाओं की, लेकिन वो जो होते हैं ना वो अपने आप को कभी भी विचलित नहीं करते हैं। तो जो क्वेश्चंस जा रहे थे अर्जुन के, वो जा रहे थे, पूछ रहे थे आउटर, जो दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, उठता है कैसा है, बैठता कैसा है, लेकिन भगवान जो आंसर दे रहे थे ना उसको इंटरनल आंसर दे रहे थे कि कैसे उसके भाव होते हैं, है ना। आउटर बाहरी रूप से प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक रूप से क्या सोचता है ये इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन को अब यहाँ तक तो ये समझ में आ गया है कि अब जो है ना भगवान जो है ना भगवान से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना बेकार है, क्योंकि भगवान ने उसको अनन्य भक्ति बता दी है। फिर पिछले श्लोक में, पिछले 12वें अध्याय में भी पूछा था अर्जुन ने कि आपकी जो है पूजा साकार रूप में करनी चाहिए कि निराकार रूप में करनी चाहिए, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है ना। उसका भी आंसर भगवान ने बता दिया उसको कि जो मुझ में चित्त और मन को, बुद्धि को मुझ में लगाता है वह मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। फिर भगवान ने गुण बताए 13 से लेके 20 तक, तो सारे गुण जो होते ना इंटरनल गुण बताए किसी भी भक्त के। ऐसा नहीं है कि भक्त गोरा होना चाहिए, भक्त के बाल जो है ना पूरे कंघी किए होने चाहिए, भक्त को कंठी लगी रहनी चाहिए, भक्त को ना टीका लगाना चाहिए,
आउटर लुक्स पे भगवान ने एक भी गुण नहीं बताया है ना। आप जितने भी गुण सुनेंगे समझेंगे वो सारे अंदर से चित्त से, जिससे मन हृदय शुद्ध हो, ऐसे भगवान ने सारे के सारे गुण बताए हैं, है ना। लंबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, भक्त भक्त हमेशा कुर्ते में होना चाहिए, धोती में होना चाहिए, ये भगवान ने एक भी गुण नहीं बताया। ये तो हम लोग सोचते हैं कि जो है ना धोती कुर्ते में है मतलब भक्त है। भगवान को इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि वो धोती कुर्ते में है कि नहीं, है ना। लेकिन ये भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान सिर्फ सबके भाव को ग्रहण करते हैं कि कौन कितने भाव से मेरे पारायण हो रहा है ना। भगवान हृदय और भगवान उसके मनोस्थिति को समझते हैं कि कितना वो मुझ पे श्रद्धा से, डेडिकेशन से मेरे जो है ना शरणागति किया हुआ है। तो जब इतना सब कुछ समझ लिए हैं, तब अर्जुन जो है ना अब ऐसा प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो सबको दिमाग घुमाने वाला है ना। अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछ डाले अर्जुन ने, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ डाले हैं भाई मेरे को? आप एक काम करो, क्षेत्र बताओ और क्षेत्रज्ञ बताओ, है ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पूछा, उसके बाद पूछा ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान क्या होता है और ज्ञेय क्या होता है, और पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। ये 6 क्वेश्चंस पूछे हैं 13.01। तो ये क्वेश्चंस उसके हृदय में आए कैसे, है ना। इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या है जो अर्जुन ने पूछा है। तो हमारे साथ ना काफी सारे भक्त ऐसे भी हैं जो पिछले सेशन में भी जुड़े थे हमारे साथ, है, क्योंकि हमारा ये सेकेंड टाइम भगवद गीता का क्लास हो रहा है, तो पिछले साल भी हमने इस पे क्लास की थी। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको आंसर्स मालूम होंगे पिछले क्लास, पिछले साल की क्लास का, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रुकें, नए भक्तों को जवाब देने दें, फिर जो है आप बाद में जो है ना अपना जवाब तुरंत रहस्य ना खोल दें, ठीक है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कोई समझता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? कौन बताना चाहेगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? अभी तक भगवत गीता के 12वें अध्याय हो चुके हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्योंकि प्रश्न पूछा अर्जुन ने, तो जरूर कुछ ना कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट ही होगा, इसीलिए पूछा है। कौन बताना चाहेगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ? कोई भी नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, डाउनलोड पढ़ना यस प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, क्षेत्र का मतलब जगह होगा, कोई जगह बोल रहे हैं, और क्षेत्रज्ञ क्या पता नहीं प्रभु जी क्या है। क्षेत्र मतलब जो हिंदी भाषा होती है क्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र जैसी जगह का जी नाम है कुरुक्षेत्र, ऐसे आप बता रहे हैं कि क्षेत्र मतलब जगह होगी, क्या करें, ठीक है। यस रोहित, अपना सत्यम प्रभु आप बताइए। प्रभु जी, कंफर्म नहीं है क्या, ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे मेरा शरीर जो है क्षेत्र हो गया और उसको चलाने वाला जो है क्षेत्रज्ञ हो गया, ऐसा शायद चैप्टर टू या मेरा थ्री में कहीं डिस्कस किए थे बहुत पहले। जगह, मेरा शरीर जो है ना क्षेत्र हो गया और उसको चलाने वाला क्षेत्रज्ञ हो गया, ठीक है। और कौन, अमृत प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब हरे कृष्ण। इस इधर या मतलब इस अध्याय में क्षेत्र मतलब शरीर को बोला गया है, और शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोला गया है। अब वो आत्मा है प्लस परमात्मा भी है। अच्छा, आत्मा है और परमात्मा भी है, दोनों है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र मतलब शरीर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस हरे मानसी कृष्ण माता जी, प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु कृष्णा। जी। क्षेत्र मतलब जो फील्ड होगा वो, और क्षेत्रज्ञ मतलब उसको जानने वाला, उस पर्टिकुलर फील्ड को जानने वाला। तो क्षेत्र फील्ड, फील्ड का क्या मतलब हुआ? यही तो पूछ रहे हैं।
आप तो खाली ट्रांसलेट करके क्षेत्र मतलब फील्ड बता दिए, एरिया। हरे प्रभु कृष्ण। जी वो ने प्रभु जी ने जो कहा ना कि मतलब फील्ड जो है वो बॉडी को कहा गया है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, तो प्रभु जी सेम आंसर था वो भी। सेम था। ठीक है माता हरे जी, आप कृष्ण, बताइए। प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्षेत्र मतलब शरीर, जैसे कि जगह जमीन होता है तो जमीन का मालिक जो है वो उतना ही जानता है, और जो लेखपाल होता है वो सारे सबका लेखा जोखा जानता है सबका। उसी तरह से शरीर हमारा क्षेत्र है जिसके बारे में हम खुद जानते हैं हमें क्या तकलीफ है क्या नहीं है। और क्षेत्रज्ञ बोले तो भगवान सबके बारे में जानते हैं, भगवान सबका सबके शरीर के बारे में जानते हैं प्रभु जी। हरे बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का उत्तर एकदम सही है। क्षेत्र मतलब एक तरह से एक जो है ना एरिया की बात चल रही है, जैसे एक खेत की बात चल रही है कि एक जो खेत होता है उसका मालिक किसान होता है ना, उस क्षेत्र का मालिक किसान होता है, तो उसका जो खेत हो गया वो उसका क्षेत्र हो गया, और उस किसान को उस खेत के बारे में सब कुछ मालूम होता है, काली मिट्टी है लाल मिट्टी है, क्या उगना चाहिए, कब उगेगा, डेली मेहनत करता है उसमें, उगाता है, काटता है, पानी देता है, दवाइयाँ डालता है, और सब प्रकार की देख रेख करता है अपने किसान खेत की, है ना। तो किसान जो हो गया वो उस खेत के बारे में जानने वाला है ना, और उस खेत को कंट्रोल करने वाला किसान हो गया, ठीक है। और वो क्षेत्र जो हो गया उसका जितने में उसको अधिकार है ना, जिस जगह का वो स्वामी है वह उसका क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो सिर्फ हमारा क्षेत्र बॉडी नहीं होता है ना, बॉडी से अधिक होती है हमारी क्षेत्र, लेकिन एक तरह से हम बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रवेश करेंगे धीरे धीरे ये सारे फंडामेंटल हमारे क्लियर होते चले जाएंगे कि क्षेत्र होता क्या है। क्षेत्र बॉडी को बोला जाता है, लेकिन सिर्फ बॉडी नहीं है क्षेत्र, और इस शरीर को जो जानने वाला है आत्मा, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो भी इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ जो है ना सिर्फ आत्मा नहीं होती है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी होते हैं, है ना, क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, है ना, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ऐसा ही श्लोक है क्या। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में। ठीक है, तो इसमें जो है क्षेत्र मतलब एक आपको जो अधिकार दिया गया है इस शरीर में रहते रहते, जहां जहां आपका अधिकार क्षेत्र है उसको क्षेत्र कहेंगे, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। इस माया रूपी यंत्र में जो है ना, इस यंत्र में जो बैठे हैं और माया के द्वारा हमको भ्रमित कर रहे हैं, इधर उधर भ्रमित कर रहे हैं भगवान, और सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो ये 18 पॉइंट श्लोक आ गया, बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको सबको याद रखना चाहिए। क्षेत्र मतलब अधिकार कहाँ तक है आपका, है ना, ये शरीर में भी क्या पूर्ण रूप से आपका अधिकार है, कौन मानता है कि ये शरीर मैं हूं, मतलब मेरा शरीर है, मैं इसका स्वामी हूं और इसका 100% अधिकार मेरे को दिया गया है, मेरे पास है इसका अधिकार, कौन कौन ये मानता है। कोई नहीं मानता। अच्छा, क्या मानते हैं, अधिकार नहीं है तो किसका अधिकार है हमारे शरीर के ऊपर, कौन बताना चाहेगा। भाई आप मानते भी नहीं हो, प्रकृति जवाब भी नहीं देते हो। प्रकृति प्रकृति का प्रभु जी।
प्रकृति का अधिकार है, ठीक है। और हरे कृष्ण किसका प्रभु अधिकार? जी जी। प्रभु जी मानते तो सभी अपने मतलब अधिकारी हैं, शरीर का स्वामी मैं ही हूँ करके। और हाँ जो जो थोड़ा जानता है या भक्ति में है उनको लगता है कि नहीं ये शरीर भी हमारा अधिकार नहीं है ऐसा करके तो सब। हाँ हेलो किसका अधिकार है हरे शरीर में? कृष्ण प्रभु जी, अधिकार भगवान का ही है प्रभु जी। जो पंच तत्व से बना शरीर है ये तो उन्हीं से ही हाँ बना हुआ है तो उन्हीं का ही अधिकार होगा। लेकिन हम अज्ञानवश हम अपना इसको अरे अपना तो अधिकार मानते हैं। अधिकार, एक चीज बताओ, अधिकार उनका है तो शरीर क्या वो चला रहे हैं? आप तो चला रहे हो क्या? आप तो सारा जजमेंट तो आप ही करते हो ना कि शरीर से क्या कराना है क्या नहीं कराना है। भगवान थोड़ी कोई चीज बोलते हैं आपको आके कि कान में, एक काम करो प्रभु जी, अब नहा लो, अब चले जाओ, आप दुकान चले जाओ, आप जॉब करने चले जाओ। हाँ प्रभु जी, जब पता नहीं रहता तो हम ऐसे ही समझते हैं कि जो भी कर रहा हूँ मैं पैर से चल रहा हूँ आँख से देख रहा हूँ। अब जब थोड़ा ज्ञान आता है तो लगता है कि जब भक्ति में कुछ ज्ञान आता है तो लगता है कि नहीं हमको भी थोड़ा सा भक्ति के हिसाब से या भगवद गीता में जिसके हिसाब से कहा गया उस हिसाब से भी कार्य कर्म करना चाहिए। तो उस पर थोड़ा भगवान भी इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रभु जी। उससे पहले तो चलो हम लोग ठीक है, लगता है ठीक कि खुद ही करते हैं जी है, प्रभु। चलो। यस सोनिका माता जी, आप बताइए और कौन अधिकारी है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दिनवित प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। ये अधिकार है कि शरीर को हम माध्यम बना के भगवान की सेवा में लगाएं। नहीं, ये तो आपका अधिकार हो गया ना शरीर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ हमारे शरीर पे और किसका किसका अधिकार है? क्या पूर्ण रूप से आपके शरीर में आपका अधिकार है? भगवान का अधिकार है, और आत्मा का। आत्मा के बगैर तो शरीर काम ही नहीं करेगी, ठीक है। और ठीक है, और भी किसी ने हैंड रेस हरे किया कृष्णा था? प्रभु जी, मन का अधिकार है क्या? मन और बुद्धि का, मन और बुद्धि का अधिकार है शरीर के ऊपर। उसी के अनुसार चलता है। एक बात बताओ, एक बालक है, एक शिशु है, क्या उसके शरीर में उसका अधिकार है? नहीं है। उसकी माता का बाप अधिकार, उसके जी माँ बाप का अधिकार है। क्या एक माँ है, उसके शरीर में सिर्फ उसका अधिकार है, उसके पुत्र का अधिकार नहीं है? बच्चा जो है, नया शिशु, छोड़ता है क्या अपनी माँ को? गोद में बैठा रहता है, उठेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। अरे रोएगा, अरे नहीं, मेरे को माँ, मेरे को गोद में बिठा ले, मैं निरंतर से अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक पत्नी का जो है ना शरीर में अधिकार पूर्ण रूप से नहीं होता, उसके पति का भी अधिकार होता है उसके शरीर में। एक नौकर जो होता है ना, उसके शरीर में उसके बॉस का भी अधिकार होता है। भाई अब तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, इतना श्रम करना ही पड़ेगा, आप अपने शरीर के अधिकार को देते हो कि कुछ समय के लिए ये अधिकार आप रखिए मेरे शरीर का, मेरे ऊपर कंट्रोल आप करिएगा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अधिकारी एक नहीं, बहुत होते हैं, है ना। हम इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं, है ना। अधिकार हमारा अपने ऊपर के अलावा और भी जगह पे चला जाता है, अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है हमारा, है ना। तो इस प्रकार क्षेत्र मतलब जहां जहां आपका अधिकार चला जाता है वो आपका क्षेत्र हो जाता है, मतलब वहां तक का कंट्रोलिंग आपको दी जाती है। जो भी इस संसार में आता है उसको एक क्षेत्र दिया जाता है और उस क्षेत्र के अंतर्गत उसको कार्य करने रहते हैं। जैसे कि जो भी है, एक व्यक्ति है, वो घर का मालिक है, घर चला रहा है, उसकी पत्नी है और उसके दो बच्चे हैं, तो उसका क्षेत्र जो हो जाएगा ना, उसके पत्नी पे भी होगा, उसके बच्चों पे भी होगा, है ना। अधिकार क्षेत्र बच्चों तक पहुंच जाएगा उसका, तो लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलता, आंशिक रूप से मिलता है अधिकार। बच्चों का भी क्षेत्र का अधिकार अपने पिता माता पे रहता है, लेकिन आंशिक रहता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। आप पूर्ण रूप से उसको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आंशिक रूप से कर सकते हो।
तो जो इसको समझता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र कौन सा है, वो होता है क्षेत्रज्ञ, है ना। सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी से थोड़ा ज्यादा, बॉडी से ज्यादा जहां जहां आपको कंट्रोल करने का, आपको जो है सुपरविजन का, जो जो चीजें आपके अंतर्गत दी गई हैं प्रकृति के द्वारा, वो सारा आपका क्षेत्र हो गया। आपका बगीचा आपका क्षेत्र है, आपका घर आपका क्षेत्र है, आपका ऑफिस आपका क्षेत्र है, आपका परिवार आपका क्षेत्र है, और आपके कुछ रिश्तेदार भी आपके क्षेत्र में आ जाते हैं, कुछ आपके मित्र भी होते हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा क्षेत्र मिलता है आपको। तो इस प्रकार आपका क्षेत्र जो है ना बड़ा विस्तार होता है, बहुत, ऐसा नहीं है कि कम है। तो ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ना अर्जुन, ये सब क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय और प्रकृति पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है एक्चुअल में। क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, हम अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर्म करते हैं। जैसे ही हमने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, या हम किसी और के अधिकार क्षेत्र का अधिग्रहण करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तब वो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। जैसे एक शादी होती है ना, जब तक शादी नहीं हुई तब तक स्त्री पुरुष के क्षेत्र अधिकार सीमित होते हैं, है ना। वो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, शादी नहीं हुई है तब तक दोस्ती है, तब तक इतना ज्यादा अधिकार क्षेत्र एक दूसरे को नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, जैसे ही पाणि ग्रहण संस्कार होता है, जैसे ही कन्यादान होता है, जैसे ही देवताओं का आह्वान होता है और हवन होता है, पंडित सारे मंत्रों का उच्चारण करता है और पिता अपनी पुत्री का जो है कन्यादान करता है एक एक संदेह अच्छे वर को देखते हुए, तो उसका जैसे ही शादी हुई, उसके बाद उस लड़के का क्षेत्र बढ़ जाता है। मतलब उसको अधिकार दिया जाता है कि आज से आप मेरी पुत्री के क्षेत्र के अधिकारी बनते हो, हम बराबर आपको जो है ना इसमें सहमत हैं और मेरी पुत्री भी सहमत है कि आपको अपने क्षेत्र का अधिकारी चुने। और उसी प्रकार पुत्र के क्षेत्र जो वर होता है उसके क्षेत्र में भी अधिकारी नियुक्त किया जाता है पत्नी को। तभी कहते हैं ना पति पत्नी दोनों जो है ना मतलब 50-50 होते हैं, है ना, हर कर्म को बांटते हैं वो, है ना, सारे कर्म को बांटते हैं। जो भक्ति में तो कहा गया है कि जो पति जितनी भक्ति करता है ना उसका 50% फ्री ऑफ कॉस्ट बिना श्रम किए पत्नी को फ्री में मिल जाता है। हम जितनी 16 माला करते हैं, मतलब 8 माला तो आप सीधा सीधा साइड कर दो, ये तो मेरी पत्नी की हो गई, मेरी आई नहीं, है ना। तो ये ऐसा है। और जबकि पत्नी जो करती है उसमें पति कुछ नहीं मिलता, भक्ति में नहीं मिलता ना, पत्नी 16 माला करेगी तो पूरी उसकी रहेगी। तो बड़ा ऐसा हमारे साथ दुविधा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पत्नी जब अपने पति वर्ता धर्म धर्म पति जो होता है ना, धर्म पत्नी जो होती है ना, वो धर्म के अनुगत अपने पति की सेवा करती है। और पति जो कार्य करता है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसको उतनी सुविधाएं देती है और उसको उतना संग देती है, उसको उतना ज्यादा वो धर्म के मामले में फैसिलिटी करती है, सेवा करती है, इसलिए पति कर पा रहा है, ये माना जाता है। और इसलिए पति के 50% जो भक्ति है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिकली पत्नी को चली जाती है। तो ये नहीं बोल सकते कि जो है ना नहीं मेरे को नहीं देना है, आपको तो देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त में नहीं मिलेगा। अगर पत्नी जो है अपने पति को परेशान कर रही है, उसको भक्ति नहीं करने दे रही है, उसके रोड़े डाल रही है उसकी भक्ति में, अरे तुम ये सब नहीं कर सकते हो, मेरे लिए ये करो, हमारे घर के लिए ये करो, बच्चों के लिए ये करो, तो उस केस में उसको नहीं मिले। जो धर्म के अनुसार अपने पति को पति माने, पति का क्या मतलब होता है? पालन करता इति पति, पति वो होता है जो पालन करता है। तो अगर पत्नी अपने पति को इस रूप से देखती ही नहीं है पालन करने वाला, उल्टा बॉसिंग करती है, तो वो पत्नी कहलाएगी नहीं एक्चुअल में, तो इसलिए फिर उसको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जो ये जानता है कि मेरा क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मैं कौन कौन से क्षेत्र का अधिकारी हूं, ये क्षेत्रज्ञ हो गया।
ठीक है, अब आते हैं ज्ञान और ज्ञेय में, है ना। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अर्जुन ज्ञान के बारे में क्यों पूछ रहे, ज्ञान क्या है? तो बेसिकली ज्ञान ये है कि क्या किस तरह से हर चीजें काम कर रही है, किस तरह से सिर्फ भाव के कारण ही चीजें बदल जाती हैं। देखो, एक मर्डर जो होता है ना, पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है ना, है कि नहीं? एक मर्डर खून तो खून है, चाकू से किसी का पेट काटना है, नसें काटनी है, तो काटनी है। तो ये पुण्य भी है, पाप भी है। एक ही चीज पुण्य पाप कैसे हो सकता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है ना, कैसे पॉसिबल है कि एक मर्डर पुण्य हो जाए? तो ऐसे पॉसिबल है, अगर आप किसी लड़की अबला नारी पे देख रहे हो, कहीं किसी ने ना हमला कर दिया है, उसको शोषण करने की कोशिश कर रहा है, रेप वेप करने की कोशिश कर रहा है, तो लड़ाई हो गई, आपने उसको बचाने की कोशिश की, हाथापाई हो गई और मर्डर हो गया आपके हाथों उसका, तो ये कोई भी पुण्य, ये कोई भी पाप नहीं है। सपोज करो आप जो है ना सैनिक हो और आप युद्ध कर रहे हो और अपने दुश्मन पे आक्रमण कर दिया और आपने उसका मर्डर कर दिया, तो ये भी जो है ना पाप नहीं है, पुण्य है। ये गलत नहीं है। आपको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आपने किया, अपने देश की सुरक्षा के लिए किया, तो पाप नहीं है, पुण्य है ये। लेकिन आपने किसी के घर में घुस के उसके धन की चोरी करने के हिसाब से उसका मर्डर कर दिया, तो वही मर्डर पाप हो जाएगा, वही मर्डर पुण्य हो जाएगा, वही मर्डर पाप हो जाएगा। कर्म तो कर्म है, कर्म का सिद्धांत जो है ना ये है बेसिकली ज्ञान। सिद्धांत क्या है ना, चीजों को देखना कैसे है, सही और गलत क्या है। कई बार लोग समझते नहीं है कि सही गलत क्या है ना, करना क्या है इस शरीर से, किस चीज में हमें अपनी बुद्धि लगानी है ना, कौन से कर्म से क्या होना, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिद्धांत को बेसिकली ज्ञान कहते हैं। तो बहुत डीप नॉलेज है इसका भी, ज्ञान का, लेकिन अपन अभी चर्चा नहीं करते हैं। ये है ना, ये क्या है, उस ज्ञान जो है, जिस ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है, उस ज्ञान का उद्देश्य है ना, उससे जानना क्या है, ज्ञान का इफेक्ट क्या आता है, और उस ज्ञान, ज्ञान तो जैसे बहुत कुछ है ना, ज्ञान तो ये भी है, ये हम कंप्यूटर और ये मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इसका इसको समझना भी ज्ञान है कि नहीं? प्रभु जी, आपको YouTube में वीडियो बनाना आता है क्या? ये भी ज्ञान है। अरे प्रभु जी, आपको जो है ना नई नई गाड़ी आई है, वो जो है ना मर्सिडीज की या टाटा की पंच नई नई गाड़ी आई है, उसको चलाना आता है क्या? ज्ञान है ये भी, ये सारे भी ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही। ज्ञान कौन सा हमारे जीवन में हमारे सिद्धांतों को, हमारे कर्म को, हमारी आत्मा को गति प्रदान करता है, उस ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है। और उस ज्ञान से जानना क्या है ना, अगर आपको वीडियो बनाना तो आता है, लेकिन उस वीडियो से बनाना क्या है, उस वीडियो से ऐसा क्या किया जाए जो उसका सर्वश्रेष्ठ आउटकम निकल सके, समझ रहे हैं? तो ये हो गया भौतिक, और उसी हिसाब से जो आध्यात्मिक हो गया, उस ज्ञान से हमें करना क्या, ऐसे कर्म के सिद्धांत हमको पता पड़ गया पाप और पुण्य क्या है, लेकिन उस ज्ञान से उद्देश्य क्या है, उस ज्ञान का, उस ज्ञान का उद्देश्य जो है जानने योग्य, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज वो होता है ये। उस ज्ञान को मैं कहाँ डालूं, उस ज्ञान को किस प्रकार ऐसा यूज करूं कि मेरा उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, ये होता है ये। और एक होता है पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब जेंट्स और लेडीज, जेंट्स वाला पुरुष नहीं है ये। पुरुष मतलब यहाँ पे बात चल रही है इंजॉयर की, है ना। तो इतना सब कुछ हो गया, अब अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुरुष क्या है, पुरुष क्यों पूछ रहे हैं। तो पुरुष बेसिकली यहाँ पे ये है कि हर कार्य में एक्चुअल में कौन इंजॉयर है, कौन
कौन उसको भोग रहा है। जब भगवान ने बताया ना भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मतलब सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता भोगने वाला मैं हूँ, है ना। देवताओं के लिए बताए कामस्तेते अपृत ज्ञाना यज्ञ प्रपद्यन्ते अन्य देवता, देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी जो है ना इच्छाएं होती हैं, जो काम की वासना इच्छाओं में फंसे रहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो वहां भोगने वाला कौन हो गए, देवता हो गए। और बाकी सारे यज्ञ ज्ञान कौन, भगवान अग्नि के रूप में सब चीजों को ग्रहण कौन करते हैं, भगवान करते हैं। तो यहाँ पे ग्रहण हर चीज, जैसे हम पूजा कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो उसको स्वीकार कौन कर रहा है, दान दे रहे तपस्या कर रहे हैं उसको कौन स्वीकार कर रहा है, एक्चुअल में हर चीजों को श्रेय किसके पास जा रहा है। करने तो आप सुबह सुबह उठते हो है ना, मंगला आरती करते हो और उसके बाद जो है ना नहाते हो धोते हो तपस्याएं करते हो, अलग अलग तरह के व्रत की उपासना करते हो, तो इसमें बेसिकली इंजॉयर कौन है, मजा कौन ले रहा है हर चीज का जो है ना। पुरुष मतलब इंजॉयर, बेसिकली हर कार्य के पीछे कौन पुरुष है। और एक है प्रकृति, प्रकृति के बारे में चर्चा चल रही है। अच्छा इंजॉयर में ना एक बहुत अच्छा एक जो कॉमन एग्जाम्पल है, एक आदमी है वो कुत्ता खरीदता है ना, कुत्ता खरीदता है पैसा देके। आजकल तो बड़े महंगे महंगे कुत्ते आते हैं, 20,000 25,000 50,000 का कुत्ता घर लेके आता है। तो कुत्ता घर लाता है और कुत्ते को पालता है, उस खिलाता है पिलाता है घुमाता है और लोगों को बताता है कि मैं इसका स्वामी हूँ, है ना। तो बेसिकली कुत्ता और उस आदमी में पुरुष कौन है ना, ये एक क्वेश्चन है, कौन बताना चाहेगा। हरे कृष्ण हमारी प्रभु पहले जी। जी माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। वो जो जो मतलब उनके स्वामी हैं वो पुरुष हुए ना, क्योंकि वो उनको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनको घुमा फिरा रहे हैं, उनके हर कार्य कर रहे हैं। तो जी अच्छा जो आदमी जो खरीद के लाया वो इंजॉयर है, वो उसका स्वामी है, वो मजे कर रहा है इसलिए वो इंजॉयर है। ठीक जी है सर स्वपन, स्वपन प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। एक कुत्ता है जो पुरुष है, वो कुत्ता जो है एंजॉय करा रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मालिक जो है कुत्ता को खिला रहा है, घुमा रहा है, उसको यश करवा रहा है। हरे कृष्ण तो प्रभु जी का कहना है कि वो कुत्ता एंजॉयर है, वो कुत्ता पुरुष है क्योंकि वो मजे कर रहा है, वो खा रहा है पी रहा है और वो घूम रहा है। ठीक है सत्यम प्रभु कहना चाहेंगे, बताइए। सेम आंसर है प्रभु जी, वो सेम कुत्ता ही आंसर है, सर। हाँ कुत्ता एंजॉयर है यहाँ पे। तो देखिए कितनी विडंबना है, आदमी पैसा दे के ला रहा है और सोच रहा है कि मैं इसका स्वामी हूँ, लेकिन स्वामी है कौन, कुत्ता स्वामी है कि वो पुरुष स्वामी है। ये है कि कुत्ता जो है ना कुत्ते की सेवा कर रहा है, वो सुबह सुबह उठ रहा है कुत्ते को बाहर ले जा रहा है, घुमा रहा है, पॉटी करा रहा है, खिला रहा है, उसको इंजेक्शन लगवा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए ना तो कुत्ता एंजॉयर है, आदमी तो सेवक हो गया उसका और सेवा लेने वाला कौन हो गया, कुत्ता हो गया। लेकिन भ्रम माया के वश जो है ना आदमी को ऐसा लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं जो है ना मैं इसका भोगता हूं, ऐसा नहीं है, वो भ्रम है उसका, गलती है। कुत्ता जब सुबह भोंकेगा ओ तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी उसको उठना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा। जब कुत्ता उल्टी करेगा है ना, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, जबरदस्ती सोता रहेगा, तो ना चाहते हुए भी उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो एक तरह से यहाँ पे इंजॉयर तो कुत्ता ही है, पुरुष जो है ना, पुरुष अगर देखा जाएगा तो कुत्ता है और ये उसका स्वामी नहीं है, ये सेवक है। तो इस तरह से ये भ्रम हो जाता है, हमको पता ही नहीं पड़ता। जो भौतिक संसार में ना इसी तरह हर मनुष्य भ्रम में है, उसको पता ही नहीं है कि वो इंजॉयर है कि वो सेवक है। एक होता है इंजॉयर जो ऊपर मजे करता है और एक होता है सेवक जो उसके नीचे उसकी सेवा करता है, तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि हम पुरुष हैं कि जो है ना हम उसके सेवक हैं कि सेव्य हैं। वैसे प्रकृति के बारे में चर्चा चल रही, प्रकृति क्या है,
तो प्रकृति, जो प्रकृति हम देखते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा भी प्रकृति का मतलब होता है। तो प्रकृति जो होता है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो नेचर जिसको बोलते हैं, एक तो नेचर हो गया बढ़िया, हवा पानी बादल आसमान बारिश ठंडी गर्मी, इसको नेचर बोलेंगे। और एक और नेचर होता है कि इंसान का स्वभाव, जिसको हम बोलते हैं ना, अरे बड़ा गुस्सेल नेचर है उसका कोई आदमी है यार, उससे थोड़ा सोच समझ के बात करना, उससे जो है ना कंट्रोल में बात करना, थोड़ा सा आदमी गड़बड़ है, ये है वो है। तो इस प्रकार से नेचर मतलब जो एक हमारा स्वभाव हम प्राप्त करते हैं, और एक तो एक्सटर्नल होता है नेचर। तो प्रकृति दोनों चीजों की बात चल रही है, एक आंतरिक और एक बाह्य, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या थे, हम पहले तो ये समझें कि पूछा क्या क्या है इसने, अर्जुन ने, तब हम समझेंगे कि भगवान आंसर क्या क्या देंगे उनके। इसलिए हमने चर्चा किया कि एक तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष। तो एक बार बताओ, कई बार ऐसा होता है हम कुत्ते को, अब आप जैसे सपोज करो बैठे हैं दो चार लोग, है ना, और किसी ने एक जो है ना प्लेट ला के रखी और बोला कि अरे यार ये ना कुत्ते के लिए रखा था, कुत्ता तो खाया नहीं, तो कोई खाएगा क्या इसमें से? तो कोई खा लेगा उसको? रोटी है, चार छह रोटी है ना, और किसी ने कुत्ते के लिए निकाल के रखी है, कुत्ते के सामने रखी, कुत्ता नहीं खाया, वापस चला गया, तो क्या वो रोटी कोई खा लेगा? अब कोई इंसान नहीं खाएगा उस रोटी को, है ना। जब उसको पता पड़ जाएगा कि इसको कुत्ते ने जो है ना कुत्ते के लिए पहले से रखी थी, लेकिन कुत्ते ने स्वीकार नहीं किया और ये अब मेरे को दे रहा है, तो ऐसा क्यों क्यों नहीं खाता? टैगलाइन लग गया प्रभु जी कुत्ते का, मतलब एक तरह से कि उसके लिए था, तो उस हीन भावना से, मतलब हीन भावना तो नहीं है, लेकिन मतलब उस तरह सोच लेते हैं, मतलब हाँ टैग लग गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है? टैग तो ये अभी तो बता ही रहे हैं कि कुत्ते के लिए रखा था, लेकिन कुत्ता नहीं खाया, तो क्यों नहीं खा रहा है, क्या कारण है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी वो प्रभु जी सोच हरे रहे हैं कि हमको कुत्ते से भी गैर-बीता समझ रहा है, जो कुत्ता नहीं खा रहा कृष्ण हमको ऐसा होगा। कुत्ते से भी गया बीता समझ। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न है मेरा। जैसे सपोज करो हम भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है, तो सपोज करो एक, यस सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। प्रभु जी जैसे क्या होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कुत्ते के लिए, तो अब कभी कोई डाउट में आ जाता है कि कुत्ता नहीं खा रहा तो लग रहा है खाना खराब है, या कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से फिर अब मेरे को दे रहे हैं, मतलब खत्म तो करना ही है खाना, या इस तरह से कुछ इस टाइप के डाउट भी हो जाते हैं, फिर तो नहीं खाता है। टैगलाइन तो है नहीं ही। ऐसा नहीं है, खराब खराब नहीं। सपोज करो आप ही के साथ में बैठे हो, टोटल आपके पास 10 रोटी रखी है, जिसमें से 4 रोटी चलो बोले आप ही के सामने बोले चलो ये कुत्ता पीछे बैठा है इसको दे देते हैं अपन, है, और कुत्ता आया सूंगा नहीं खाया चला गया, तो क्या रोटी खराब थोड़ी हो गई? उसमें कोई भी गंदगी तो नहीं है? हाँ है तो नहीं, लेकिन वो डाउट में आ जाता कि कुत्ता नहीं खा रहा है, मतलब तो फिर कुछ तो बात है एक अच्छा तरह से। सपोज करो आप ही के सामने बनी है रोटी, है ना, आटा भी आप ही के सामने आया, रोटी भी आपने ही आपके सामने बनी है, उसमें प्योरिटी है पूरी, आपने भी आप भी खा रहे हो, उसमें से पहले आपने 2 रोटी खा ली, अब उसमें से बची है 10 रोटी, उसमें से 4 कुत्ते को दे फिर रख दी, बोले अरे नहीं खा रहे चलो वापस से अपन खा लेते हैं, फिर तो खाओगे? ठीक है, तो एक सपोज करो आपने गए बाजार से 1 दर्जन केले लेके आए, ठीक है, केले लाए फ्रिज में रखे, जिसमें से 4 केले निकाले और 4 केले का भोग लगाया भगवान को, ठीक है, तो क्या 4 केले जो भगवान को आपने भोग लगाए, 12 में से 4 लगाए, 8 बचे रह गए, आपने सोचा मैं कल खाऊंगा परसों खाऊंगा ये केले, तो भगवान को जो हमने भोग लगाया 4 केले का भोग लगाया, तो 4 प्रसाद बने ना, भगवान ने कितने ग्रहण किए केले?
कौन बताए चार कितने ग्राम केले ग्रहण किए? 4 केले ग्रहण किए। तो कई बार हम देखते हैं जैसे बेस में या मंदिर में खाना तो बना है 200 लोगों का, लेकिन सिर्फ 4 रोटी भगवान को जो है ना हमने भोग लगाई, तो क्या भगवान ने वो 400 रोटी भी स्वीकार कर ली? कैसे होता है प्रसाद, कैसे बनता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी जैसे माता जी। सेंटर में हम प्रसाद जब बनाते हैं तो उसमें से ले जाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर वापस लाके वो जो भगवान का उच्चिष्ट होता है उनको फिर डालते हैं, पूरे प्रसाद में मिलाते हैं, फिर उनको भक्तों को दिया जाता है। तो तो माता जी का कहना है कि उसको हम वापस ला के मिलाते हैं तब वो प्रसाद बनता है, नहीं तो प्रसाद नहीं बनता। आपके कहने का मतलब यही है ना, जी प्रभु जी नहीं मिल जाएंगे तो नहीं प्रसाद बनेगा। तो ऐसा होता है कई बार, जैसे भगवान का भंडारा होता है ना, तो जिसमें लाखों लाखों लोगों को खिलाया जाता है, उसमें भगवान को मात्र 2-4 रोटी दे देते हैं और जितना बनता है जो एक एक आइटम सब भगवान को खिलाए, और वहीं से फोन कर देते हैं, हाँ भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया, अब सब खा सकते हो। उसमें तो मिलाते नहीं है। कई बार होता है जगन्नाथ मंदिर चले जाओ, इतने बड़े बड़े मंदिर है, वहां इतने सारे लोग आते हैं कि मंदिर एक कोने में है और दूसरी दूसरे 2 किलोमीटर दूर जाके पंडाल लगा हुआ है भोजन का। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है वहीं से उठा के पहले सब में मिलाया जाए। इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, उसको दोबारा बनाना पड़ता है। हमारे मंदिर में ही देख लो, प्रसाद ऊपर चलता है, 3rd फ्लोर में प्रसाद खाने की जगह, मंदिर बाहर है। जरूरी नहीं है एक एक आइटम जाके वापस मिलाया जाए, लेकिन पंडित का फोन आ जाता है जो भगवान को खिलाता है कि हाँ भगवान को जो है ना भोग लग चुका है, अब आप लोग स्टार्ट करो भंडारा। तो कैसे खा लेते, भगवान तो मिलाया नहीं हमने तो। ये प्रभु जी, भगवान रसोनिका के माता लिए जी का। जैसे मंत्र जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता होगा प्रभु जी? मंत्र का पढ़ने के अकॉर्डिंग भगवान उधर का भी खा लेते हैं। हाँ, जैसे आपने तो बताया ना बोला थर्ड जाता है कि फ्लोर में। मंत्रों के समय बोला जाता है कि भगवान वहां पे भी बन रहा है, उसको भी स्वीकार करिए, और ये तो मैं लेके ही आया हूँ साक्षात, इसको भी स्वीकार करिए। प्रभु जी वो मेरे ख्याल से हमारा भाव जो है वो मेन होता होगा, मतलब जैसे हमने बाजार से लाया, जैसे केले ही लाए तो वो हम ये सोच के लाते हैं कि 10 के 10 केले हम मतलब भगवान के लिए है या भगवान को अर्पित करेंगे, चाहे उसमें से 2 ही क्यों ना किए रहे, और हमने पहले ही लाते लाने के पहले ही सोच लिया कि नहीं इसमें से तो मैं पहले ही खाऊंगी और वो भगवान को अर्पित नहीं करने मतलब नहीं किया है या सोचा भी नहीं है, तो हो सकता है वो डिफरेंस होगा कि ये हमारे लिए हमने पहले ही सोच लिया कि ये हमारे लिए है या भगवान के लिए है, तो वो मैटर करता होगा शायद। माता जी का काफी हद तक सही आंसर है। सोनिका माता जी का भी हैंड रेस था, उनका भी आंसर सुन लेते हैं। माता जी बताइए क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी भाव वाली बात कर रही थी। जैसे हम कोई भी प्रसादम बनाते हैं तो हमारा भाव होता है कि इसमें से सबसे पहले हमने ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो बाकी वाला भले ही हम उसमें मिक्स ना करें वो भी प्रसादम बन जाता है क्योंकि हमारा भाव रहता है कि हमने सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। तो आप लोग का सही आंसर एकदम, भाव जो है ना भाव होना चाहिए। तो लेकिन भाव एग्जैक्टली वर्ड जो है ना ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको चेतना कहा गया है ना, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। चेतना इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी चेतना से क्या क्या भगवान को ऑफर किया। भगवान तो एक नहीं 1 लाख केले खा सकते हैं, भगवान तो एक रोटी नहीं 10,000 रोटियां खा सकते हैं। एक खिलाओगे तो एक खाएंगे, 10,000 खिलाओगे तो 10,000 खा लेंगे, है ना। भगवान तो भगवान है, उनको कोई चीज की कमी नहीं है, है ना। भूखे रखेंगे, नहीं खिलाएंगे तो बेचारे चुपचाप बैठेंगे, वो बोल थोड़ी रहे है। उनको सब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है वो, उनको आपकी एक रोटी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने उनको बुलाया है विग्रह में और उनकी सेवा के लिए जो है ना उनको भेजे बुलाया है, तो हम उनकी सेवा करते हैं।
जैसी हमारी चेतना होती है ना भगवान वैसे वैसे स्वीकार करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 केले लाए, 8 केले लाए, 10 केले लाए, अगर हम उसमें से 4 केले भगवान को भोग लगाने की चेतना से निकाला और भगवान के सामने रखा, तो उस चेतना को स्वीकार करते भगवान और उस दिन सिर्फ 4 ही केले खाएंगे, है ना, 12 के 12 नहीं खा लेंगे। लेकिन आपने चेतना में रखा नहीं, प्रभु मैं आपके सामने तो 4 रख रहा हूं, लेकिन सारे के सारे केले आप ही को खाने हैं, तो भगवान सारे केले खा जाएंगे। ये चेतना की बात है। अब बात करते हैं जो ऑफर कर रहा है। सपोज करो जो ऑफर कर रहा है उसके मन में तो पिक्चर चल रही है बॉलीवुड की और घंटी बजा रहा है, टन 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 टन, 4 हो 8 हो 10 हो, है ना, मंदिर में बना है भोग। लेकिन ऑफर करने वाला पंडित जो है ना, वही ऑफर करते समय उसका ध्यान तो पत्नी पे है, घर वाली पे है, बच्चों पे, अरे हाय हाय मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो तब क्या होगा, फिर भगवान स्वीकार करेंगे? मंत्र उच्चारण कर रहा है, सब बोल रहा है, एवरीथिंग परफेक्ट। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु नहीं करेंगे। घर से लड़ के आया, घर वाली से, आज गुस्से में है पंडित, बहुत भोग के समय मुंह बना बना के भगवान को भोग लगा रहा है, तब क्या होगा? ठीक है, कल चर्चा करते हैं हम इस विषय में, ठीक है, 7 बज चुके हैं, तो कल हम थोड़ा सा और इसमें ना गहराई में प्रवेश करेंगे, तो अगर क्लास मिस करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। क्लास मिस ना करें, 13वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल है, ये हमारे साथ होता है डेली डेली, तो हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम आगे भक्ति पे बढ़े नहीं पाएंगे, ठीक है, तो बने रहिए 13वें अध्याय में, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जैसे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताए हैं, तो प्रभु जी जैसे कि अपन समझ सकते हैं कि विधायक रहता है उसका एक क्षेत्र दिया रहता है, कि इस क्षेत्र का है तो उसका क्षेत्र हो गया प्रभु जी, तो उसको फिर क्षेत्रज्ञ क्या होगा प्रभु जी उसका, कि इस जगह का उसका अधिकार है, उसको यहाँ का उसको विकास करना है देखना है, तो उसका क्षेत्र हो गया, तो उसपे अब क्षेत्रज्ञ क्या होगा उसका। देखो, क्षेत्रज्ञ मतलब उस जगह को जानने वाला, उसके कंट्रोल, मतलब देखो विधायक को जो है ना कुछ चीजें दी जाती है, भाई इस एरिया को आपको डेवलप करना है, आपको समझाना है, भाई ऐसा नहीं है कि वो लोगों के घर में घुस सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना उसका क्षेत्र है, जैसे मध्यान्ह भोजन है, ठीक है, स्कूलों में उस जगह में ना सरकार की योजना है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, लंच खिलाया जाता है, तो उस विधायक की ये जिम्मेदारी, अधिकार हो जाएगा कि वो सब स्कूलों में देखे समझे कि बराबर सबको खाना मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है तो उसकी व्यवस्था करे, है ना। लेकिन घरों में नहीं घुस सकता ना, वो किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है तो वो नहीं घुस सकता, वो उसका क्षेत्र नहीं है, लेकिन क्षेत्र है स्कूल में, उसकी व्यवस्था उसको करनी है। तो ऐसे जो जो उसको दिए जाते हैं ना अधिकार, वो देखना और उसके बारे में जानकारी करना और उसको करवाना, उसको क्रियान्वित कराना, ये सारा काम जो है ना उसका हो जाएगा। इसलिए वो क्रियाओं का क्षेत्रज्ञ जो हो जाएगा ना, वो विधायक हो जाएगा, जो स्कीम्स लाई गई हैं अच्छा उसका क्षेत्रज्ञ विधायक हो जाएगा। जी, मतलब उस जगह का पूरा मैनेजमेंट देखना प्रभु, कैसे क्या होगा हाँ, जो 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 उसके अंतर्गत पूरा आता है वो। जी। दो बार तो मेरे यही हाँ हो गया है। ये कौन बात कर रहा है क्या आपस में? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, अदरवाइज हम कल चर्चा करेंगे इस पे। 7 बज चुके हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ लीजिएगा, ये पहले का तात्पर्य। धन्यवाद, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था सत्यम प्रभु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग बने रहेगा, अभी तो सारा फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा, हम जो सोचते आ रहे हैं सब भगवान ऐसा ऐसा बताएंगे कि हमारी सबकी जो है ना
दिमाग की बत्ती जल जाएगी, मेंटोस से मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, मजा प्रभु आने जी, वाला है। लेकिन ये मैंने जो भी मतलब ये ज्ञान की चर्चा इस पूरा मतलब भौतिक जगत से पूरा संबंधित है क्या? संबंध, आप तो रहते तो भौतिक जगत में ही हो ना। हाँ, जो भी मतलब यहाँ ज्ञान के, रहते रहते किस प्रकार हमारे को अपनी चेतना के साथ मैनिपुलेट करना है, चेतना को हम कैसे मैनेज करें ताकि हम यहाँ रहते रहते ही यहाँ से अनछुए रहें, समझे? मतलब कार्य करते करते भी कार्यों में लिप्त ना हुआ रहा, ना रहा जाए, ऐसा ये ज्ञान है एक्चुअल में, है ना? जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ लगता है कि कमल को नहीं लगता, उसी प्रकार हमको भी कैसे अपनी चेतना को बनाए ताकि हम कर्म के बंधन में ना फंसे। तो ये तो सब काफी हद तक तो समझ ही चुके हैं आप लोग सब, और भी जो है थोड़ी बहुत जो बारीकियां समझ जाएंगे इसमें, इस अध्याय में। ठीक है, प्रभु सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की जय, गौर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरि।